प्रेम और सौहार्द के नाम से जाने वाली ताज नगरी आगरा में 23 से 25 जनवरी तक आयोजित होने वाली भागवत कथा को लेकर रविवार को श्री हरि संकीर्तन के माध्यम से आमंत्रित करने का काम किया गया। साथ ही 26 जनवरी को होने वाले सामूहिक विवाह समारोह से पहले विधिवत रूप से मेहंदी लगाने का काम भी किया गया। भारत विकास परिषद सुरभि शाखा द्वारा 23 से 25 जनवरी तक होने जा रहे नानी बाई को मायरो भक्त नरसी चरित्र कथा के लिए शहर वासियों को हरि संकीर्तन के माध्यम से आमंत्रित किया गया। जयपुर हाउस स्थित श्री राम मंदिर से संकीर्तन यात्रा आरंभ हुई। यात्रा की अगुवाई वृंदावन से आई भागवत विदुषी कीर्ति किशोरी ने की। वहीं इस मौके पर भागवत विदुषी ने मून टीवी से मुखातिब होते हुए आगामी दिनों में आयोजित होते हुए विस्तृत जानकारी दी। सब देख रहे हैं बड़े उत्साह, बड़े प्रेम, बड़े आनंद के साथ में त्रिदिवसीय नरसी भक्त राज नरसी जी का चरित्र नानी बाई का मायरा उत्सव यहाँ आगरा मंडल में होने जा रहा है। विशेष रूप से भारत विकास परिषद के सुरभि शाखा की जितनी भी हमारी सब सखियाँ हैं, सब महिला मंडल है, मिलजुल करके बड़े उत्साह के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। आज दिनांक 22, अभी बस थोड़ी ही देर में शोभा यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। ये स्वागत संकीर्तन यात्रा है भक्तमाल के माध्यम से और अन्य अन्य अनेकानेक ग्रंथों के माध्यम से, श्रीमद् भागवत रामकथा के माध्यम से हम अनेकों बार भगवत चरित्र सुनते हैं। तो भगवान हैं उनके भक्त हैं, भक्त हैं तो भगवान हैं। कीर्ति किशोरी के श्रीमुख से नरसी चरित्र कथा का श्रवण 3 दिनों तक श्री रंगधाम श्री राम पार्क जयपुर हाउस में शहरवासी कर सकेंगे। चैतन्य महाप्रभु संस्था से आए प्रभुजनों ने राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे संकीर्तन आरंभ किया तो मानो पूरा क्षेत्र ही कृष्ण धाम बन गया। गोपी ड्रेस में वैष्णव तिलक धारण करे सदस्य जब हरि धुन पर नृत्य करती हुई चल रही थी तो मार्ग पर हर ओर से पुष्प वर्षा होने लगी। यहाँ पे भारत विकास परिषद जो राष्ट्रीय संगठन है उसकी सुरभि शाखा ने 3 दिवस नरसिंह भगवान की कथा का आयोजन किया है जो कि कीर्ति किशोरी जी के श्रीमुख से श्रवण की जाएगी और फिर 7 कन्याओं की विवाह का सरल सामूहिक विवाह का आयोजन है और जिसमें हर मतलब प्रकार की सब बहनें हैं हमारी, सब आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, सबका पूर्ण सहयोग है जिनके उससे हो रहा है ये कार्यक्रम। वहीं इस यात्रा के मौके पर समिति पदाधिकारियों ने भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी भरसक प्रयास किए। भारत विकास परिषद का प्रकल्प है राष्ट्रीय लेवल पे संस्कार के कार्य करना और सर्वजातीय शादी विवाह करना। इसके तहत सुरभि शाखा विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम कर रही है। इस वर्ष भी नानी बाई का मायरा और 7 कन्याओं की शादी हम कर रहे हैं जो कि सर्वजातीय हैं। सामूहिक रूप से हम शादी करेंगे 26 तारीख को। उससे पहले कथा करेंगे जो कि वृंदावन से आई हुई श्री कीर्ति किशोरी जी के द्वारा प्रभावित होगी। ये कार्यक्रम एक्चुअली आज बहुत आगरा के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे यहाँ 3 दिन की कथा श्रद्धेय किशोरी जी की द्वारा होने वाली है। उसी से कनेक्टेड ये हमने आज जो मेहंदी, कोई भी हम शुभ काम करते हैं उससे पहले मेहंदी लगाते हैं, तो इसीलिए हम सब सखियाँ मिलके आज मेहंदी का ये कार्यक्रम कर रहा है। उसके बाद हम लोग संकीर्तन यात्रा करेंगे। जैसे नरसिंह जी संकीर्तन करके भगवान को मनाया करते थे तो हम भी ठाकुर जी के इस कथा से पहले हम चाहते हैं सब लोग रास निकले, तो ये हमारी संकीर्तन यात्रा, इसमें हमारी जी श्रद्धेय कीर्ति किशोरी जी खुद पैदल चल के इस कीर्तन में शामिल होंगी। ये सुरभि शाखा 2018 से विवाह का कार्यक्रम कर रही है लेकिन इस बार कुछ भव्य कार्यक्रम रूप दिया है कार्यक्रम को, जिसमें इन्होंने हम लोग कथा कर रहे हैं 23, 24, 25 को। लेकिन उससे पूर्व हम आज मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन हमारा चल रहा है जिससे कि सारी भगवान की मेहंदी, भगवान के नाम की मेहंदी सब सखियां हमारी लगा रही हैं। आयोजन के अंतर्गत 26 जनवरी बसंत पंचमी पर 7 कन्याओं के होने वाले सामूहिक विवाह और शुभ कथा के अवसर पर सभी के हाथों में मेहंदी लगाए जाने का काम भी पूरे रीति रिवाज से किया गया। राधे राधे। आज हमारे जयपुर हाउस में ब्रज किशोरी जी का कीर्तन के साथ आज यात्रा निकल रही है और इस यात्रा के अंदर करीब 4-4:30 बजे यात्रा निकलेगी और ये यात्रा पूरी जयपुर हाउस में भ्रमण करेगी और इसके अंदर सभी धर्म प्रेमी इस यात्रा के अंदर चलेंगे और हमारा 26 तारीख को यहाँ पर अपना 7 कन्याओं की शादी है
उस कन्या की शादी के लिए मैं आगरा की जनता से अपील करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, इस कार्यक्रम में आएँ और निर्धन कन्याओं की शादियाँ हो रही हैं उसमें अपना भाग लें। श्री राम मंदिर आर्य समाज मंदिर टीचर्स कॉलोनी से जैन मंदिर होते हुए झूलेलाल भवन प्रताप नगर आदि पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए यात्रा का समापन हुआ। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मधु वगेल मौजूद रही। कथा विदुषी कीर्ति किशोरी ने बताया कि हरि अनंत हरि कथा, अनंत और अनंत है हरि भक्तों की गाथाएं। तुलसीदास सूरदास मीराबाई जैसे ही भक्त हुए नरसिंह मेहता, हरि नाम संकीर्तन करते हुए ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया। उनके जीवन के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए स्वयं श्री हरि सेठ संवालिया बनकर आए और उनके हर कर्तव्य को पूर्ण किया। भक्त शिरोमणि नरसिंह के जीवन चरित्र नरसिंह भात कथा के आयोजन से आगरा शहर की धारा पावन होने जा रही है। इस आयोजन में शहर की विभिन्न संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। सचिव निधि अग्रवाल के अनुसार आयोजन के मुख्य यजमान मिथिलेश अग्रवाल और नरेंद्र अग्रवाल रहेंगे।